गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस नए वीडियो में। और मैं अभी बीजिंग में हूँ। यहाँ पे अभी सुबह के 9:10 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ एक साइट सीन पे, कुछ स्प्रिंग हिल करके नाम है। तो यहाँ से मैं सबवे से जाऊँगा, टैक्सी से नहीं जाऊँगा। अभी सबवे में कैसे जाना है, क्या जाना है, मेरे पास एक मैप है, बीजिंग का सबवे मैप होता है, वो मैंने डाउनलोड किया है कल, और उससे मुझे सब पता चल रहा है कि कैसे कहाँ पे जाना है, कौन सी लाइन पकड़ना है सबवे की। जिस सबवे से मैं जाने वाला हूँ उस रूट पे तकरीबन 2 से 3 साइट सीन है। तो मैं देखता हूँ कि 2 से 3 एक दिन में मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करके यहाँ से मैं जहाँ पे रह रहा हूँ जिस हॉस्टल में, वहीं से नज़दीक ही है मेट्रो का स्टेशन। और दूसरी एक बात ये हुई है, थोड़ा सा कल रात में हुआ ये कि मैं खाना खाकर वापस जा रहा था, वापस आया हॉस्टल में, और रात के कुछ 10:30 बजे रहे थे। तो मैंने बेड पे देखा कि मेरे बेड पे कोई दूसरा आदमी सोया था। तो मैं बाहर आया, बाहर आके वो जो रिसेप्शन पे जो लड़की थी उससे बोला कि मेरे बेड पे कोई दूसरा सोया है। तो बोले कि हाँ, हमें लगा आप चले गए, और ऐसे वो बहाने बनाने लगी। तो मुझे कुछ डाउट आया कि कुछ शायद से इसने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है। तो मैं थोड़ा सा चिल्लाया उसके ऊपर, उसको बोला मुझे अभी के अभी आपके ओनर से बात करनी है। तो मैं उसको बोला ये, फिर बाद में वो रोने लगी। तो बोला, मैंने बोला उसके ठीक है कोई बात नहीं, आपके ओनर से मैं कंप्लेंट नहीं करता, आप मुझे दूसरा बेड दीजिए। फिर उसने मुझे उससे भी अच्छा बेड दिया, और मतलब अभी जो बेड था वो मेरा उससे भी वो मतलब थोड़ा सा बेहतर था। तो ठीक है बोला। लेकिन सुबह उठ के मैंने उसके पास गया सॉरी बोलने की, लेकिन उसका चेहरा कुछ अलग ही था। मतलब अभी गुस्से में थी या क्या, इन लोगों के चेहरे देख के पता नहीं चलता ये लोग गुस्से से बोल रहे हैं या प्यार से बोल रहे हैं। लेकिन वो ठीक तरह से मेरे से मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। तो मुझे भी कौन सा लेना देना है यहाँ पे, मैं तो अभी सिर्फ आज का दिन हूँ, कल यहाँ से निकल जाऊँगा। हे, व्हाट इज़ योर नेम? नाउ डू यू हैव राइस? यस, गिव मी राइस। Rice. This? Yes. How much? Oh, this is very expensive. Wait. तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। ये देखिए उन्होंने क्या दिया है। ये चॉपस्टिक है, ये चॉपस्टिक दिया है मुझे उन्होंने। ये शायद प्याज है, कटे हुए प्याज है। ये कुछ चिकन का शायद से कुछ चिकन का टुकड़े ऐसा कुछ है। राइस है, उसके ऊपर प्याज है ये, और ये उन्होंने सूप दिया है। तो ये अभी देखता हूँ मैं कैसा क्या है। चॉपस्टिक से मैं खाना वैसे सीख चुका हूँ। ये कार देखो कितनी खूबसूरत है। तो मैंने अभी समर पैलेस का टिकट निकाला हुआ है, ऐसा इनका कार्ड है। सिर्फ यहाँ पे ऐसे करने से कर रहे हैं और फिर आगे, और यहाँ पे गेट नंबर 5 पे मुझे वो सबवे मिलेगी। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे। ये देखिए कितना इसका हाइट है, कितना डीप अंदर जा रही है ये। समर पहले जाने के लिए मैं यहाँ से ट्रेन ले रहा हूँ। यहाँ से 3 युआन लगा, और मतलब मैं सबवे से बागू करके एक जगह है वहाँ पे आया हूँ। वहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आपको 3 युआन का एक टिकट लेना पड़ेगा, और सामने आपको ऐसी ये ट्रेन दिखेगी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये सब तो ट्रेन दिखेगी। और आपको एक टिकट यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ऐसे करना है और फिर आगे जाना है। तो ये कुछ जो सबवे होते हैं यहाँ से आपको चेंज करना है ये, और ये सबवे जैसे कुछ अलग सी ट्रेन है ये। ये देखिए अंदर से ये ट्रेन कैसी है, ये कुछ अलग है।
रेगुलर जो सब्जी होते हैं उसके जैसे नहीं है ये। वो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, तो मतलब साइट सीन अभी जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। ये जो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे टूरिस्ट लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। बैठने के लिए जगह तो नहीं है और छोटी सी ट्रेन है ये, कुछ मतलब 3-4 ही इसके ये कंपार्टमेंट हो गए। ये देखो निकल पड़ी अभी। तो समर पैलेस के अंदर जाने के लिए 30 युआन का टिकट है, यहाँ से मैं टिकट ले रहा हूँ। और यहाँ पे हर जगह पे पासपोर्ट लग रहा है, अभी मेरा पासपोर्ट लिया है। मैं कहीं पर भी जाऊँ, सबवे जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ, थैंक यू, मेरा हर जगह पे मुझे पासपोर्ट लग रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे पासपोर्ट चेक किया, 31 का टिकट लिया और अभी यहाँ से अंदर जाना है मुझे। ये लीजिए, ये बदक के जैसे कुछ है। और इस लेक में अगर आपको ये सामने जो आपको ये जो नावें पड़ी है ये जो दिखाई दे रही है, तो इसमें अगर आपको कुछ टूर करना है छोटी, तो ये शायद से कुछ 40 युआन का टिकट है इसे। इनकी नावें देखिए कैसी। आप यहाँ पर एक व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, आप जो दिखाई दे रहा है यहाँ से। वहाँ दूर तरफ पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों के ऊपर कुछ बना हुआ है। यहाँ पे जूम करके करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कितने खूबसूरत है ये। भाई अभी यहाँ पे घूमते घूमते मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, और यहाँ से मुझे जो वो बुद्धा टेम्पल जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ पर है। और वहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो पूरा दिन यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा पूरा दिन, और इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं ये तो ठीक है देख लिया, अभी उस तरफ है शायद समर पैलेस भी पीछे की तरफ है, तो मैं वहाँ पर भी जाने का कोशिश करता हूँ और फिर वहाँ से मैं निकलता हूँ आगे। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। आज धूप नहीं है इसके लिए शायद से कैमरा क्लियरिटी जितनी चाहिए उतनी मुझे नहीं लग रही। अगर इस पार्क में आपको घूमना है तो शायद से आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पार्क है। ये देखिए मेरे जैसे कोई यहाँ पे वीडियो निकाल रही है, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ है, इसके अंदर से ये नाव जाती है, ये जो नाव है उसके अंदर से यहाँ पे जाएगी और ये बाजू में निकलेगी यहाँ से। यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने टूरिस्टों के लिए ही बनाई हुई है। अब मैं थोड़ा उस पुल के जो छोटा सा ब्रिज था उसके ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से जो बीजिंग का सिटी वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिखाई पड़ रहा है।
बीजिंग का जो सिटी वहाँ यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और लेकिन उससे अच्छा यहाँ पे जो ये जो आपको कुछ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं ये देखने लायक है। ये जो सीनरी आप देख रहे हैं, ये जो सीनरी आप देख रहे हैं यहाँ से पेड़ जो है यहाँ से कुछ अलग ही है। और वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे देखिएगा आइलैंड जैसा है, तो उसी को समर पैलेस कहा जाता है, वही समर पैलेस है। ओके आई एम गोइंग तो पार्क में मैं घूमते हुए एक जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ टेंपल जैसा है, ये टिपिकल चाइना के जो घर होते हैं ना उसके जैसा ये कुछ है। पीछे देखिए आप पंछी की आवाज़ सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, देखिए बहुत ही मतलब अच्छी आवाज़ है और कुछ अलग ही पंछी है वो, ये देखिए आवाज़। मैं पार्क के बाहर आ चुका हूँ और बहुत प्यास लगी थी मुझे, तो मैं ये आंटी के साथ बैठ गया यहाँ पे। और इनको अगर कहा ना कि मैं इंडिया से हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है, अगर मैं उनको बोलो इंडू इंडू तो ये समझ जाते हैं। इंडिया को यहाँ पे शायद से हिंदू इंडू बोलते हैं, इंडू इंडू तब ये समझ जाती है। तो इनके पास से मैंने अभी ये पानी लिया है दो युआन का, और ये कुछ यहाँ पे बेच रहे हैं। मैं भी इनके साथ बैठ चुका हूँ यहाँ पे, बहुत प्यास लग रही थी और थोड़ा चल चल के मैं थोड़ा थक चुका था, तो बाहर आके मैं बैठ गया हूँ। ये जो अभी सामने से ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन में बैठ के मैं सिंगशान जा रहा हूँ। फ्रेग्रेंट हिल ऐसा कुछ नाम है वो, जहाँ जिस साइड सीन पर अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। ये सबवे नहीं है, उसके जैसी कोई छोटी रेल है जहाँ पर भी ये इस लाइन पे सभी टूरिस्ट प्लेसेस है, तो टूरिस्ट प्लेसेस के लिए यहाँ से ऐसी ट्रेन जाती है, ये टॉय ट्रेन जैसी है। आप अगर बीजिंग में आके मेट्रो में टिकट निकलना सीख गए, कहाँ से कहाँ जाना है ये पूछना सीख गए, ये देखना सीख गए, तो आपको यहाँ पे आके टूरिस्ट का कोई पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा बीजिंग के सभी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो सिर्फ आप सबवे में घूम सकते हैं, आपको पैकेज लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सस्ते में आप सभी जगहों पर सबवे में और ऐसी ट्रेनों में जा सकते हैं। मैं अभी उस ट्रेन से उतर के जो फ्रेग्रेंट हिल है वो साइड में जा रहा हूँ, तो मैं जब से चल रहा हूँ तब से आप देख सकते हैं ये रोड कैसा है, और आजू बाजू जो घर है वो भी कैसे हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको सब घर इस टाइप के ही, बीच में ऐसा रास्ता है और बाजू में ऐसे सब घर है और छोटे मोटे होटल भी है। अभी फ्रेग्रेंट हिल एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं, वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो अभी मैं 10 मिनट हो गए चलते हुए मुझे, और भी कितना आगे जाना है पता नहीं। ये देखो यार कितना पुराना है, ये कितना पुराना घर है ये चाइना का, किताबों की लाइब्रेरी है पुरानी सी। मैं फ्रेग्रेंट हिल करके जो साइट से वहाँ पे आया हूँ, तो ये गांव जैसा है, मतलब आप जब देखेंगे ना यहाँ पे, बहुत आउटसाइड में आ चुका हूँ बीजिंग के में, लेकिन यहाँ पे आप स्वच्छता जो देखेंगे ना, इतना क्लीन है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ के पेड़, यहाँ पे जो रख रखा है सभी, यहाँ के रास्ते, ये सब मतलब इतना क्लीन है कि
दिल खुश हो जाता है, इतनी क्लीननेस यहाँ पे देख के दिल खुश हो जाता है। ठीक है, अभी अंदर जाने के लिए मैंने ये 10 युआन का टिकट निकाला हुआ है, तो ये यहाँ से जाने के लिए एंट्री है। थैंक्स। तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके के पेड़ है, ये देख सकते हैं आप। सामने कुछ पहाड़ियाँ भी है, शायद से हमें उस तरफ जाने के बाद ठीक तरह से दिखाई पड़े। तो पेड़ देखिए ना कितना खूबसूरत है। पेड़ ओके, उस तरफ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है और आप देख सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए रोपवे भी है। रोपवे अभी बंद है। और ये जो सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है एकदम ऊंची, तो उस पहाड़ी के एकदम ऊंचे साइड में आप देख सकते, आपको पता नहीं यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वहाँ पर भी घर है, बहुत बड़ा घर है, कुछ घर या टेम्पल जैसा कुछ है। ये बहुत ही पुराना, शायद इनका कोई पैलेस के जैसा कुछ, यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल शायद से कोई कुछ हुआ होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ पुराने किलों में कुछ ऐसी जगह होती है उसके जैसा ही यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। पर इस पानी के अंदर कुछ मछलियाँ भी है, यहाँ पे देखिए सफ़ेद मछली और काली मछली। मैं चलते हुए काफ़ी अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पर टूरिस्ट, लेकिन यह जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। जो जगह है बहुत पुरानी पुरानी नजर आ रही है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, एक भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे। और भी कुछ है आगे जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अकेला जाना ठीक नहीं है। इस दीवार के उस पार भी कुछ है वहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे क्या है, कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने का, देखते क्या होता है। भाई आज मैं मेट्रो से एक जगह पे जा रहा हूँ, तो मेट्रो मुझे आज खाली मिल गई पूरे, सिर्फ इक्का दुक्का लोग बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी मेट्रो खाली है।